एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज में रम जाना, मतलब हमारा मन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। तो अक्सर भक्ति में क्या होता है कि हम लोग जब आते हैं तो एक नया नया टेस्ट आता है और नया नया एंथुसियाज्म जो आता है भक्ति में, तो वो अच्छा लगता है क्योंकि एक भौतिक दुनिया से परे हम कुछ चीज करते हैं, तो इनिशियली बड़ा अच्छा लगता है। नया नया कीर्तन में आना, मंगल आरती हो, चाहे क्लासेस हो, फिलोसॉफी हो, कोई भी चीज हो, प्रसाद हो, तो सब अच्छा लगता है। बट जैसे से ग्रेजुअली हम समय बीतता जाता है तो ये सब चीजें हमारे लिए कैजुअल हो जाती है। नाउ कैजुअल मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जब अगर बचपन में हम लोग स्कूल जाते हैं तो फर्स्ट डे ऑफ न्यू क्लास, जो पहला दिन होता है क्लासरूम में, तो सब चीज नई होती है। जैसे मुझे याद है हम लोग जब नया क्लास में आते थे तो नया बैग मिलता था, नया बॉक्स, सब कुछ नया, बुक्स नया, पेन नया, सब कुछ नया। तो पहली बार जब लिखते भी थे तो ऊपर से जय श्री राम ओम ये करके कुछ स्टार्ट करते थे और ऐसा सोचते थे कि ये एकदम मेरी कॉपी एकदम सुंदर रहेगी, पूरा मेंटेन रहेगा, पूरा कंटेंट भी लिखते थे उसमें, पेज नंबर वंबर सब कुछ, आप लोग भी करते होंगे। बट देन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है तो क्या होता है, फिर वो कॉपी कहाँ पड़ी हमको पता नहीं है, उसका ऊपर का कवर निकल जाता है तो वो थोड़ा सा पेज वेज निकले हुए हैं, और जब तक तो एग्जाम आ जाता है उस बेचारे की ऐसे हाल कि अधमरा है, मतलब अब एग्जाम के बाद उसको बस रद्दी में फेंकना है। तो आप देखोगे इस दुनिया में जो टाइम फैक्टर है ये इतना खतरनाक है कि कोई भी चीज को ये उसकी महत्वता को कम कर देता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका 10 करोड़ का फ्लैट क्यों ना हो, चाहे वो आपका बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, आपके महंगे कपड़े क्यों ना हो, चाहे वो आपके क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो। समय के साथ साथ वो लोग भी जो है धीरे धीरे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति की नई नई शादी होती है और अगर उसको सुंदर पत्नी है तो उसको दिन भर निहारता रहेगा वो शुरू शुरू में, थोड़ा दिन बीतता है तो फिर से कहा सेम ही तो चेहरा है तो क्या है, फिर उसका जो चार्मनेस चला जाता है। मैं सही बोल रहा हूं ना, आप देखोगे। अब होता क्या है, क्योंकि ये भौतिक चीजों में एप्लीकेबल है, सेम चीज स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाता है तो उसका चार्मनेस, आप याद कीजिए पहला जब आप नए फीडबैक आपको मिला होगा, नया बीड मिला होगा, तो जो हम चैंटिंग हमारा था वो मतलब स्पेशली जब इनिशिएशन भी होता है तो जब दीक्षा के टाइम में गुरु महाराज जब बीट देते हैं, आप लोग का होगा भी दीक्षा तो मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा लगे जैसे पता नहीं कितना बड़ा खजाना स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उतर के आया है और हम लोग को महाराज दे रहे हैं, और वो बीट को हम इतना केयरफुल रखते हैं, इतना केयरफुल मतलब प्राणों से भी ज्यादा प्यारा, ऐसा लगता है कि एक एक माला जो मैं जपूंगा इसमें वो इतना केयरफुली जप करूंगा कि मतलब रियली कई लोग तो रो देते हैं जप करते करते, पहला दिन जो जप करते हैं दीक्षा के बाद। लेकिन धीरे धीरे जो ये फीडबैक, ये बीड, ये सब भी एक वो बन जाता है, रूटीन बन जाता है। तो क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ये जो टाइम फैक्टर है ये हर चीज का महत्व घटा देता है। अब स्पिरिचुअल लाइफ में अगर इसका महत्व नहीं घटाना है हम लोग को, एंड वी हैव टू बी ऑलवेज वेरी लाइक एनलाइवेंड अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, देन वी हैव टू एब्सॉर्ब अवर माइंड इन स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब है हमें अपने मन को भक्ति में डुबाना होगा। तो क्या होता है, कई बार हम लोग एक प्रैक्टिस के रूप में तो करते हैं भक्ति को, बट माइंड एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, माइंड जो उसमें घुस नहीं पाता है, और स्पिरिचुअल लाइफ एक रूटीन बन जाती है लेकिन माइंड अभी भी कहीं और भ्रमण करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब्ड इन योर प्रैक्टिसेस देन ग्रेजुअली यू विल फेड अवे। तो एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, वहां पर भक्त लोग बहुत जबरदस्त स्वागत था प्रभुपाद जी का, और सब हरी बोल जैसे में कीर्तन कर रहे थे, जय प्रभुपाद बहुत कीर्तन करके डांस कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा
इफ यू डोंट चैंट योर राउंड्स प्रॉपरली 16 राउंड्स एंड डोंट फॉलो फॉर प्रिंसिपल्स ऑल दिस हरी बोल विल फेड अवे, देन आपका हरी बोल हो जाएगा। तो सब लोग बोले, जैसे कई बार ऐसा लोग भक्त को सोचते हैं कि जब हमें स्पिरिचुअल एक्सटेसी आता है तो लगता है कि वाओ मैं कभी जिंदगी में भक्ति नहीं छोड़ सकता, ये मन में फीलिंग आती है जब हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आता है। लेकिन वही जब माया पकड़ लेती है तब वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक एक पहाड़ के समान लगता है, है कि नहीं? ये फॉर एग्जांपल मेरा तो स्पष्ट, मैं खुद ही देखता हूँ, जब हम मंदिर से ऐसी बाहर जाते हैं कोई वॉइस पीछिंग पीछिंग में, तो एक एक माला ऐसा लगता है भक्तों के बिना, बाप रे बाप। जैसे हम जब गर्भपुर जा रहे थे तो इनिशियल डेज में तो कोई था नहीं वहां पर, तो मैं और एक भक्त खाली दो जन सुबह उठ के जप करते थे, 16 माला करने में बैंड बज जाती, हालत खराब हो जाती। और अभी यहाँ पर भक्तों के बीच में कब हो जा रही पता ही नहीं चल रहा, अपने आप माला हो जा रही है जस्ट बिकॉज एसोसिएशन। दैट इज एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एब्जॉर्प्शन से आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल है श्रीला प्रभुपाद जी का एब्जॉर्प्शन, देखिए भक्ति में। एक्चुअली प्रभुपाद जी इतने एब्जॉर्ब थे भक्ति में अपने प्रैक्टिस को लेकर के कि प्रभुपाद से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं तो बोलते हैं सोचे विमुख ततो उद्भ्रमतो, लोग याद नहीं आ रहा बट बोलते मग्न चित्त, बोलते हे भगवान मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके नाम आपके कीर्तन आपके कथा में इतना एब्जॉर्ब्ड हूं, मेरा चित्त इतना मग्न है कि मुझे मेरा कोई टेंशन नहीं है कि मेरा क्या होगा, मुझे चिंता है इन मूर्खों की, मतलब हम जैसे लोगों की बोल रहे हैं वो बात, जो इस संसार के इतने प्रपंच से फंसे हुए हैं कि वो आपको तुरंत भूल जाते हैं, मुझे इनकी चिंता है, हे भगवान इनको कैसे बचाया जाए, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो आप देखो कि जो लोग स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं ये लोग एक चीज जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखो इनके प्रैक्टिस में इतने मग्न है ये लोग, इतने घुसे हुए हैं कि वहां से इनको हिलाना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे महाराज लोग आते हैं, आप देखिए इतने साल से वो लोग जो है मंगल आरती कर रहे हैं, जैसे मैंने गुरु महाराज को देखा पर मुझे गोपाल कृष्ण महाराज को ही, मतलब उनके लिए नेचुरल है ये, मतलब आप यकीन नहीं करोगे अभी उनका हाथ से वो उठता नहीं है। जैसे जब ये टेम्पल आते हैं ना तो आपने देखा भी होगा, तो जो नॉर्मल जो वो 5 लैंप वाला जो लैंप होता है वो महाराज उठा नहीं पाते हाथ से, तो इसीलिए उनके साथ उनका जो असिस्टेंट है वो एक हल्का वाला लैंप लेके चलता है, एक हल्का वाला लैंप है जिसमें 5 वो रहता है। जिस मंदिर में महाराज जाते हैं तो पहले ही जाके पुजारी को दे देता है कि आप ये वाला लैंप में 500 लगा देना आरती। अब वो भी जब महाराज करते हैं तो आप देखोगे ऐसे हाथ महाराज ऐसे खाली दिखाते हैं उस पर ही महाराज का हाथ कई बार वो हो जाता है। आप देखोगे महाराज कोई घंटी नहीं बजा पाते हैं तो बगल में एक पुजारी घंटी बजाने बजाता है, मतलब सोचो ये सिचुएशन है फिर भी वो हर दिन मंगल आरती आ रहे, मतलब कितना। अभी हम जैसा कोई व्यक्ति होगा तो वैलिड रीजन है ना, वाई आई शुड नॉट गो फॉर आरती, वैलिड रीजन है। लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग के लिए इतना बाय डिफॉल्ट प्रोसेस हो गया है कि वो सुबह उनको कोई अलार्म नहीं लगता उठने के लिए उनको, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि मेरे जीवन के अंत तक सुबह 4:30 बजे मैं ऑल्टर में ही रहूंगा, मतलब ये उनका उनके माइंड में बैठ गया ये चीजें पूरी तरह से, एंड ही इज टोटली एब्जॉर्ब्ड। और जैसे उसके बाद महाराज अपना खुद के डिटीज का वर्शिप करते हैं, उनके गौन का डिटीज है आपने कभी देखा होगा, और कई सालग्राम शिला है। तो उस समय महाराज ना एक किसी ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि आप प्रभुपाद दुख पढ़ो, तो महाराज डीटी वर्शिप कर रहे हैं और प्रभुपाद जी का वहां बुक रीडिंग चल रहा है, तो कोई भागवतम का कैंडल लेकर के वो पढ़ता है एटीट्यूड। तभी कोई सोचता होगा कि महाराज खाली ऐसे ही पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और ये तो क्या ध्यान देता होगा, लेकिन महाराज को एक एक शब्द याद रहता है। अगर वो व्यक्ति वर्ड फंबल करता है, कुछ डिवोटी जो पढ़ते हैं हमारे संपर्क में उन्होंने बताया कि प्रभु जी महाराज एक एक शब्द सुनते हैं क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वहां पर। तो और प्रभुपाद जी को लेकर के लोग इतने ज्यादा उनके सेवा में अब्सॉर्ब है कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ना। एक बार जयप्रदा का महाराज हैदराबाद में कुछ तो केस हो गया था, चलते रहता है सब होते रहता है, तो एक नॉर्मल पुलिस वाला व्यक्ति था, वो पुलिस वाला व्यक्ति जो है वो कुछ तो इस्पॉन्ड गुस्सा हो गया था, कुछ तो बहस हो गया था,
तो महाराज गए, जैसे ही पुलिस स्टेशन में घुसे दंडवत प्रणाम कर दिए पुलिस वाले को, महाराज जयपता का महाराज पूरा लेट गया ऐसे एकदम, उनका उसमें भारी शरीर था, अभी थोड़ा हमारा शरीर ढल गया, उसमें एकदम हैवी शरीर था महाराज का, वो लेट गए अपना डंडा के साथ। तो जब वो पुलिस वाले ने देखा कि मतलब ये एक सन्यासी और वो भी अमेरिकन ऐसे मेरे को प्रणाम कर रहा है, जब तक तो हाई रैंकिंग में था, तो उसका पूरा हार्ट मेल्ट हो गया। वो बोला अरे बाप ये व्यक्ति इतना हद तक झुक गया है, अभी मैं क्या केस करूं कुछ, तो सारा मैटर सॉल्व हो गया वहीं पर। तो आप सोचिए मतलब प्रभुपाद जी की सेवा के लिए दे कैन बी, वो लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं, तो अपने ईगो का तो सवाल ही नहीं उठता। नाउ व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन इन प्रभुपाद सर्विस। तो क्या होगा जब आपकी आपके सेवा में भक्ति में आपका एब्जॉर्प्शन है, आप देखोगे कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं लगती, फिर आपको सब चीज बहुत सरल लगती है, क्योंकि आप उसमें पूरे घुसे पड़े हो और वो आपके जीवन का एक अंग बन चुका है, उसके बिना आपका जीवन जो है वो आपको निरर्थक लगता है। तो वी हैव टू रीच टू दैट स्टेज ऑफ भक्ति, कि भक्ति हमारा ऐसा इंट्रिंसिक पार्ट हो जाए कि हम कहीं पर भी इस दुनिया में रहे विदाउट चैंटिंग आवर राउंड्स, विदाउट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट वर्शिपिंग कृष्णा, आवर लाइफ शुड बिकम लाइक ए डेड मैन, मृत्यु शरीर जैसा कोई जी रहा है वैसा। जब जिस दिन ऐसा बन जाएगा, उस दिन आप देखोगे आपको भक्ति करने में इतना परेशानी नहीं होगा। पर अफसोस किया बात यह है कि हमारे जीवन में और कुछ चीजें ये बंद रखी है, हमारे एब्जॉर्प्शन में हमारा कहीं और है, तो इसीलिए हम लोग को भक्ति बहुत कठिनाई से करना पड़ता है, कई बार पुश लगता है, कई बार उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक पार्ट है। नाउ सेकेंड चीज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम भक्ति में एब्जॉर्ब्ड हैं तो हम सोशली इनसेंसिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, क्योंकि समय हमारे पास कम है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार होता क्या है कि जब भक्त लोग जुड़ते हैं इस्कॉन से या भक्ति में आते हैं, तो वो सोशली इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जो हो रहा है, हम तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो भक्ति करके भगवदान जा रहा हूं बस, दैट्स ऑल। तो फिर क्या है, हम हार्ट अटैक होकर के लोगों की फीलिंग्स को ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। लोगों के अंदर जो सद्भावना है, जो उनके फीलिंग्स है, उनको हम पकड़ नहीं पाते, बिकॉज वी टेंड टू सो दैट आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन, कि मैं एक आध्यात्मिक जीवन में तैर रहा हूं, इसलिए मुझे भौतिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्रह्मचारी की बात बताता हूं आपको, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, फ्रेंकली बोलना तो सीख के लिए बोल सकता हूं। एक ब्रह्मचारी ड्यूटी था, तो एक बार मैं बीमार पड़ गया था, तो वो मेरे साथ, मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं उसको एक दिन के लिए बुलाया था कि प्रभु आप आ जाओ, कि मैं मतलब अकेला हूँ अभी हॉस्पिटल में, ऐसे दो दो दिन बुला रहे थे। तो उस ड्यूटी को मैंने बुलाया, प्रभु आप आओ एक दिन मेरे साथ, आप बिताओ यहाँ पर। तो आया तो ऐसी तो मुझे अच्छा लगा, वो व्यक्ति आया तो मैं उसको कह रहा था कि प्रभु देखो अभी हम लोग इतना एक्टिविटी करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो एकदम अकेलापन लगता है, ये हॉस्पिटल में कहाँ मेरे को सलाइन डाल के लगा दिए, एकदम मैं पक गया हूँ पूरा 7 दिन से, तो अभी आप आए तो अच्छा लग रहा है कि हम सब साथ में बातचीत कर रहे, कुछ कर रहे हैं। तो बात करते करते वो बोलने लगा, क्या है प्रभु जी ये सब फीलिंग्स, मेरे को किसी को अटैचमेंट नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन वो अपने घर के लिए बोल रहा था, बोला मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे रखे नहीं रखे, मैं सब त्याग चुका हूँ संसार को। वो यंग था, ज्यादा उम्र का नहीं था वो। मैं बोला प्रभु ये आप बोल रहे अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके अपने माता पिता के प्रति सद्भावना नहीं है तो आपको डिफिकल्टी जाएगी आगे स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप कृष्णा को भी प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप एक इमोशनलेस व्यक्ति हो, तो जैसे एक बार पुणे में एक ब्रह्मचारी आया और उसने मैंने एक्चुअली वहां जब ज्वाइन करते हैं ना, ट्रेनिंग होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, इंटरव्यू होता है जो ज्वाइनिंग कर रहा है, तो उस इंटरव्यू में उसने आकर के बोला राधेश्यामपुर के सामने प्रश्न, प्रभु जी आई एम सो डिटैच्ड, इफ माई मदर डाइज इन फ्रंट ऑफ मी नॉट अ सिंगल टीयर विल कम इन माई आईज। प्रभु जी मैं इतना विरक्त हूं कि
अगर मेरी माँ मेरे सामने मर जाएगी तो मेरे आंख से आंसू नहीं निकलेगा। प्रोजी बोले यू आर नॉट फिट टू बी ब्रह्मचारी, यू गो एंड गेट मैरिड बिकॉज यू डोंट हैव इमोशंस इन योर हार्ट। सो इफ यू कांट लव योर मदर हाउ कैन यू लव योर लव कृष्णा, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम अपने माँ को प्रेम नहीं करते हो, अब चाहे कुछ भी केस हुआ हो उसके, जो भी होगा उसका हिस्ट्री, बट उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपने माता पिता को प्रेम नहीं कर सकते तो आप भगवान को कैसे प्रेम करोगे, आप टिक ही नहीं पाओगे इस आश्रम में। तो बोला नो 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 प्रभु जी, आई एम फिट, आई एम अ स्टॉन्च, मैं पूरा वैरागी लिए हूं। बोले नॉट पॉसिबल, नहीं रह पाओगे। तो चलो वो तो कैसा लगा, लेकिन ये जो व्यक्ति जिसके बारे में मैं बोल रहा था, कुछ दिन बीता और कुछ दिन बीतने के बाद इसके घर में कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देन वो अपने घर गया और वापस नहीं लौटा, वापस मंदिर नहीं आया वो। तो फिर मैं फोन किया, मैं बोला प्रभु क्या हो गया। फिर मेरे को बोलने लगा, प्रभु जी मेरे माता पिता के पास कुछ धन नहीं है, ये नहीं है, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बोला प्रभु 2 महीना पहले तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप। बोले प्रभु जी नहीं नहीं नहीं, मैं आप समझ में आ रहा है क्या होता है ये, जीवन में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ऐसा है। मैं बोला प्रभु जी मेरे को बोला था ना, तो जितना डिटैचमेंट वो दिखा रहा था उस समय उतना ही अब अटैचमेंट आ गया। तो क्या होता है, इसलिए इस दुनिया में अगर आप सोशली सेंसिटिव नहीं हो अपने रिलेटिव्स को लेकर के, फ्रेंड सर्कल को लेकर के, इवन डिवोटीज को लेकर के, आप देखोगे आप एक इनर्ट व्यक्ति की तरह बन जाओगे, जिसमें क्या होगा आप और आपकी, जैसे मैं और मेरा फीडबैक, दैट्स ऑल, यही मेरी दुनिया है ना, यही मेरी दुनिया है, मुझे और इसका कुछ नहीं पता है। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो सोशल सेंसिटिवनेस का मतलब क्या है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबके बारे में आप सोचते हो, उन सबके बारे में आपके अंदर एक गुड फीलिंग्स है, एक भावना है, और आप सबसे रिलेट कर पाते हो। तो जनरली अक्सर जो लोग जब नए नए भक्ति में आते हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या होती है, बड़ी समस्या। और वो क्या होता है कि वो अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं लोगों से इंटरेक्ट करूंगा तो ये लोग मेरी भक्ति को छीन लेंगे मुझसे, क्योंकि अभी वो भक्ति परिपक्व नहीं हुआ है, और साथ ही साथ जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं, है ना, तो उनसे दूर भागता है लिटरली। तो लिटरली अगेन फ्रेंकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली, कि जब हम लोग नए भक्ति में आए थे तो ये वैराग्य का हमारे अंदर इतना भूत चढ़ गया था कि एक्चुअली क्या है, बचपन से जैसे मेरी खुद की जो मदर है वो हमेशा जब भी मैं घर आता था मुझे हर तरह किस करती थी, मतलब ऐसे जब हम छोटे थे, आप लोगों को भी सम्मान किया ही होगा। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं भक्ति में आ गया तो मैं जब गया तो ऐसी मेरी मदर आई मेरे को एम्ब्रेस करने लगी, बोला नहीं 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 डोंट टच मी। मैं बोला नो माया माया माया, लेटर मन में सोचा बाप रे बाप, शी बिकेम लाइक फायर, मतलब उसको अब समय मदर को बोलना मत, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो बोलते कई बार तुम हमारा एग्जाम्पल ही पूरा बोल देते हो, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने एग्जाम्पल से कैसे हम सोशली इनसेंसिटिव हो जाते। तो वहां पर उनको एक शॉक लग गया और उस दिन से वो नेगेटिव हो गई भक्ति को लेकर के, कि अगर ये भक्ति मेरे बेटे को ऐसा बना रही है, मुझसे दूर कर रही है, तो नहीं चाहिए ऐसी भक्ति। और वो पूरा रिसर्च करने लगी इसके पीछे क्या करता है ये, तो पूरा तहकीकात लग गया एकदम, पूरा दिन में 5-5 कॉल, अभी क्या कर रहा है, कहाँ है। मैं बोला अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा गलती हो गया। तो ऐसे कर करके, बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो रिसर्च करते करते खुद भक्त बन गई, तब मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। लेकिन क्या होता है, जब हम सोशली इनसेंसिटिव हो जाते हैं तो आपके भक्ति में आने के पहले जो आपका व्यवहार था अपने लोगों के साथ, और आने के बाद जो व्यवहार बदल गया, वो क्लियर कट लोग देख लेते हैं, अरे 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 ये व्यक्ति जब से इस्कॉन जा रहा है ना, इसका तो माता खराब हो गया है, है ना। उस तो पढ़ाते ये लोग वहां पर, ऐसा पढ़ाते ये लोग कि ये, और जैसे वो फील करते हैं कि ये हमसे दूर जा रहा है, यही प्रॉब्लम है। बल्कि आप भक्ति के आने के बाद आपको और चिपकना चाहिए लोगों से, है ना। कैसे चिपकना चाहिए, जैसे भगवान एग्जाम्पल देते हैं ये कमल का फूल का, कि पानी के अंदर रह के भी नहीं रहता, यही तो कला है सीखने की।
एक डिवोटी को भौतिक संसार में रहे कि भी नहीं रहना है, बट इसको सीखने में टाइम लगता है और तब तक हम सारा गड़बड़ी कर बैठते हैं। ये टाइम लगता है, 2-4 साल लगता है कि कैसे लोगों के इमोशंस को प्रॉपरली हमें हैंडल करना है। तो कई लोग बहुत पुअर है और खासकर कलयुग में लोग बहुत पुअर है इसको हैंडल करने में, इमोशंस को हैंडल करने में। तो कई लोग बहुत ब्लेटेंटली बोल देते हैं मुंह पर, और जब आप भक्ति में आने के बाद ब्लेटेंटली किसी को जवाब देते हो वो तो और हो जाता है, तो अरे तुम क्या सीखे हो, क्या तुमको सिखाया। तो जैसा है ये सेंसिटिवनेस बहुत बड़ा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका। शिला प्रभुपाद जी मायापुर में, उनका व्यास पूजा चल रहा था और व्यास पूजा में प्रभुपाद जी की आरती हो रही है, मतलब प्रभुपाद जी लाइव है वहां पर, आरती हो रही है, जबरदस्त कीर्तन चल रहा है, जबरदस्त कीर्तन, और करीबन हजारों भक्त होंगे, 500,000 भक्त होंगे, जोरदार कीर्तन में लगे हुए, सब नाच नाच रहे हैं, आरती चल रही है। प्रभुपाद जी ने बीच में अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोले उस ड्यूटी को बुलाओ वहां पर। वो ड्यूटी आया तो उसके वो ना थोड़ा लिंप करा था, नाचते वक्त ठीक से नाच नहीं पा रहा था, लिंपिंग मतलब कि वो पांव उसका ठीक से रेस्ट नहीं कर रहा था। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी सुबह में गिर गया तो यहाँ चोट लग गया है यहाँ घुटने में। प्रभुपाद जी ने अपने एक डायरी निकाला, उसमें दवाई का नाम लिखा, ऑइंटमेंट का नाम लिखा, और अपने जेब से पैसा निकाला, बोले ये लो पैसा, ये दवाई खरीद के ले आओ यहाँ से, उसको लगा लेना। तो वो ड्यूटी पूरा हक्का बक्का रह गया, बोला कि मतलब अभी ये व्यक्ति जिसका वर्शिप हो रहा है यहाँ पर, व्यास पूजा मन रहा है, जिसका गुणगान हो रहा है, और उसके बीच में वो बुला करके वो मुझे अटेंशन दे रहे हैं। सोचिए कितना सेंसिटिवनेस है। सेम चैतन्य महाप्रभु का आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब उनको स्पिरिचुअल एक्सेस आता था ना, तो महाप्रभु सब भूल जाते थे, कौन क्या है कुछ नहीं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते 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 गंभीरा तक पहुंचे और गेट में ही बेहोश होकर गिर गए, बेहोश मतलब इतने टायर्ड थे कि गेट पे ही सो गए। ठीक है, तो उनका जो सर्वेंट था गोविंदा, उसका नाम था गोविंद, तो वो सर्वेंट क्या हुआ, वो सर्वेंट उसमें अंदर था और महाप्रभु गेट पे लेट गए। अब उसको जो है प्रसाद लेने के लिए, वो एक्चुअली नहीं सॉरी सर्वेंट बाहर था और महाप्रभु का प्रसाद अंदर था, तो उसको प्रसाद खिलाना था महाप्रभु को, तो वो क्या किया, महाप्रभु को उलांग के चला गया, महाप्रभु पे चद्दर डाला और महाप्रभु को ऐसे पार कर चला गया। तो हालांकि ऐसा करते नहीं है, कभी स्पिरिचुअल मास्टर या अपने से वरिष्ठ लोगों के ऊपर उलांगते नहीं है, वो चला गया अंदर और वो प्रसाद लेकर के आया और महाप्रभु के पास बैठा रहा। अब महाप्रभु तो उठ नहीं रहे, तो पूरा एब्जॉर्ब्ड एकदम, उठ नहीं रहे। तो महाप्रभु सडनली जब बहुत समय बीत गया, 6-7 घंटा बीत गया, तब महाप्रभु उठ करके पूछे गोविंदा तुमने प्रसाद खाया कि नहीं खाया, तो बोले नहीं खाया महाप्रभु। बोले क्यों, बोले मेरा प्रसाद बाहर रखा हुआ है और आप भी नहीं खाए हो, अभी आपका प्रसाद मैं पहले लाया। एक्चुअली महाप्रभु को प्रसाद उन्हें खिला दिया था, कैसे तो भाई महाप्रभु खिला दिया, लेकिन महाप्रभु उनको उनको पूछा कि आपने प्रसाद खाया कि नहीं, बोला मेरा बाहर रखा था, तो बोले तो चल जाते ना बाहर, बोले नहीं, बोले तुम अंदर कैसे आए, बोले अंदर आपको उलहन क्या आया, तो बोला जैसे अंदर आए थे वैसे बाहर भी आ सकते थे ना, बोले नहीं, बोले ये आपकी सेवा थी और वो मेरी सेवा थी, मतलब वो मेरे को जब खाने का बारी आया तो हाउ कैन आई यू नो ट्रेसपास यू, हाउ कैन आई क्रॉस यू। एक और इस इंसिडेंस में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु एब्जॉर्ब थे, फुल्ली एब्जॉर्ब थे और उन्होंने गीत गोविंद का आवाज सुना। जगन्नाथपुरी में कोई तो एक महिला, कोई एक लेडीज, कोई एक माता जी गीत गोविंद गा रही थी, तो महाप्रभु वो गीत गोविंद को सुन करके इतने पागल हो गए, इतने उन्मत्त हो गए कि भागे, बोले जहां से आवाज आ रहा वहां भागे और वो देखे नहीं कि कौन गा रहा है, स्त्री है कि पुरुष है, वो एम्ब्रेस करने वाले थे उसको जाकर, महाप्रभु सन्यासी थे, तो ये गोविंदा जो पीछे भाग रहा है, महाप्रभु भाग रहे उसको एम्ब्रेस करने के लिए, ये पीछे भाग रहा है और वो महाप्रभु से हटाता है, महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप। हाँ, तो महाप्रभु सडनली होश आता है, फिर वो देखते हैं अरे तेरी ये तो एक स्त्री गा रही थी, तो महाप्रभु बोलते हैं गोविंदा तुमने आज बचा लिया मेरे को,
बोले अगर मैं टच भी कर लेता ना आई वुड कमिट सुसाइड, मुझे शरीर छोड़ना पड़ता। तो महाप्रभु गोविंदा को पूरा एम्ब्रेस करके जो है उनको बोलने लगे, गोविंदा तू कब तक मेरे को बचा रहा है रे, तू क्या नहीं कर रहा मेरे लिए। अब महाप्रभु जो है आप देखोगे बहुत ऑब्जेक्शंस पे वो हालांकि एब्जॉर्ब है लेकिन फिर भी लोगों को लेकर के बहुत सेंसिटिव है महाप्रभु। आप देखोगे उनके डीलिंग्स में बहुत, हालांकि हाई लेवल एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं पर आप एक एक अगर उनका कैरेक्टर देखोगे ना तो आप देखोगे वो हर एक डिवोटी को लेकर के इतना उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं कि उस व्यक्ति को अपनापन फील हो कि वो व्यक्ति मतलब महाप्रभु के लिए अपना जान देने को तैयार है, इतना ज्यादा आप देखोगे। तो ये सब एग्जॉल्टेड सोल्स का ना बहुत ये हाई लेवल क्वालिटी होता है कि वो व्यक्ति से कैसे रिलेट कर पाते हैं, कैसे रिलेट कर पाते हैं। और ये हमें सीखना है स्पिरिचुअल लाइफ में खास करके कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ बात कर रहा है करने आए तो दैट पर्सन शुड नॉट फील कि मैं इससे रिलेट नहीं कर सकता, ये कुछ दूसरी दुनिया का आदमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण था प्रभुपाद जी पूरे विश्व को कैप्चर कर पाए, बिकॉज प्रभुपाद जी इतने सेंसिटिव थे लोगों को लेकर के कि वो जहां जाते थे इमीडिएटली लोगों से जुड़ जाते थे, इमीडिएटली, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो साइंटिस्ट हो कोई भी हो, इमीडिएटली जुड़ जाते थे। और वो लोग बोलते थे कि दिस स्वामी इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये कुछ गजब ही व्यक्ति है ना। तो ऐसा था। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड थिंग, पॉलिटिकल अलर्टनेस। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम सोशली सेंसिटिव भी हैं, हम स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब भी हैं, बट अगर आप बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसको लेकर के अनभिज्ञ हो, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो आपके साथ केरला स्टोरी वाला काम हो जाएगा, समझ लो ना। तो ये टॉपिक इसी चर्चा पे आया कि जैसे जैसी मूवी आई उसके बाद बहुत सारे स्टेटस आने लगे, व्हाट्सएप ऐसा लगे, अरे भाई अब अब्दुल से नहीं रहमान या जो भी लड़की उससे भी सावधान रहो। पहले लोग तो लव जिहाद के नाम पर वो लोग बोले थे कि लड़कों से हा? हाँ मेल मेंबर से सावधान रहो, सब लड़कियों माताओं को बोले थे, अब बोले अपने फ्रेंड से भी सावधान रहो, ऐसा वो बोलने लगे। हाँ तो अब क्या हुआ, मैं सुबह बता रहा था यूथ लोग को इस पर एक बहुत बढ़िया डिबेट, अगर आपको सुनना तो आप सुन सकते हो, चैतन्य चरण प्रभु और गोविंद प्रभु के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था। तो वो बता रहे थे तो उनको पूछा गया कि प्रभु जी व्हाट यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, सो ही टोल्ड इट्स मेयरली स्टुपिडिटी, ये एक मूर्खता है दोनों की, जो कन्वर्ट कर रहा है और जो कन्वर्ट हो रहा है दोनों, क्योंकि जो कन्वर्ट कर रहा है उसको भी पता नहीं है रियलिटी क्या है और जो कन्वर्ट हो रहा है उसको भी पता नहीं कि मेरा धर्म क्या है ना। तो आपको ऐसे डिस्कशन लंबा है बट माय पॉइंट इज कि देखिए हम भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी में दुनिया लोग जो भी कर रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट आज हम इस छत के नीचे बैठ करके शांति से कीर्तन कर पा रहे हैं, कथा कर पा रहे हैं, इसका श्रेय जाता है उन लाखों सोल्जर्स को जो लोग बॉर्डर पे रह करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, जाता ही जाता है। अगर आज वो लोग वहां खड़े नहीं होते तो हम लोग क्या यहाँ बैठे हुए, तो कोई भी दुश्मन आता दो चार गन मारता आप में से कोई मंदिर नहीं आता, है कि नहीं है। उन लाखों डॉक्टर्स को भी जाता है जो लोग इतना दवाई बना रखे हैं, वैक्सीन बना रखे हैं जिसके कारण हम आज यहाँ बैठे। मान लो वैक्सीन नहीं बनती, ये कोविड नहीं जाता तो सब लॉकडाउन में फंसे रहते, है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई अ डिवोटी ही इज ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, इवन एक भक्त एक नास्तिक को भी ग्रेटफुल रहता है कि जब वो एक नास्तिक को देखता है तो जैसे भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जिस जब भी हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं कि जब मैं देखता हूं कि ये उद्योगपति अपना बिजनेस बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है इतना, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना माला बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए, प्रचार बढ़ाओ केंद्र बढ़ाओ। तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मटेरियलिस्ट पीपल टू प्रैक्टिस मोर भक्ति। ये तो पॉलिटिकल अलर्टनेस से मेरा मतलब है, आप देखो कि चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में हालांकि महाप्रभु इतने एब्जॉर्ब थे इतने कृष्णा कॉन्शियस थे लेकिन जब चांद काजी ने उनके मूवमेंट को खतरा किया
तो महाप्रभु खुद जो है पूरा एक सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट खड़ा कर दिया उसका अगेंस्ट। हाँ, आपको पता होगा मसाल लेके गए थे सब लोग, ये पूरी कथा है, और बोले चांद काजी के ऊपर ऐसा अटैक किया था उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, वो डर करके महाप्रभु को बुलाया, बुला रहे आपस में बात कर लो, इतना लोगों को लाने का दरकार था। अब महाप्रभु तो इतने इन्फ्लुएंसर थे कि लाखों लोग चलते थे उनके पीछे पीछे, इतने इन्फ्लुएंसर थे। तो महाप्रभु उस समय ऐसा नहीं बोले नहीं नहीं हम तो हम्बल रह करके क्या करें, भगवान बचाना हुआ तो बचाएंगे, मारना हुआ तो मारेंगे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, नहीं ऐसा नहीं है। सेम प्रभुपाद जी भी आप देखोगे, जब इस्कॉन पे केस हुआ तो प्रभुपाद जी डरे नहीं, इस्कॉन पे ब्रेन वॉशिंग का केस हो गया था अमेरिका में, और बहुत बड़ा केस हो गया था, तो प्रभुपाद जी बोले यस वी आर वॉशिंग द ब्रेन, देयर इज नो, इसमें झूठ क्या है, इफ योर ब्रेन इज फिल्ड विद स्टूल एंड यूरिन देन वी हैव टू वॉश ना। तो प्रभुपाद जी ने पूरा बोल्डली उसका चैलेंज किया, और प्रभुपाद जी ने कहा एक काम करो, मेरे सारे सेट ऑफ बुक्स जो है वो जज के घर में पहुंचा दो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसके घर में उसको पार्सल भेजा गया, और वो जज को प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज रीड आवर बुक्स। तो वो बुक्स पढ़ करके जब जज ने उन्होंने कमेंट दिया कि इस्कॉन इज अ बोनाफाइड रिलीजन, तो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ करके प्रभुपाद जी को इतना कन्विक्शन था कि जो हम कर रहे हैं वो, सोचिए अभी आपको लगे ये कौन सी बड़ी बात है, इंडिया में कोई बात चलता है, व्हाट अबाउट अमेरिका, आप अमेरिका के कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो जज को। सो प्रभुपाद वाज सो बोल्ड इन हिज प्रेजेंटेशन, इन हिज कन्विक्शन, कि वो किसी से भी डरते नहीं थे। जैसे मैंने आपको सर बताया, एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में मैदान में फेस्टिवल थे, 30,000 लोग बैठे थे फेस्टिवल में, और तो कई हुडलम्स जो वहां के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो लोग थे वो लोग ना, कुछ 10-12 लोग जो है वो लोग हॉकी स्टिक और ये सब लेकर के सामने खड़े हो गए प्रभुपाद जी के, स्टेज के सामने खड़े हो गए, और प्रभुपाद जी को ऐसे चिट आया, तो प्रभुपाद चिट पर उसमें लिखा था फ्लाई और डाई, या तो उड़ जाओ यहाँ से, मतलब चले जाओ और डाई। तो प्रभुपाद जी ने, वो सब लोग डर गए, सारे ऑर्गेनाइजर और सारे जो बोले प्रभुपाद जी बैक पैक करते हैं चलो भैया निकलते हैं, प्रभुपाद जी बोले वेट, और प्रभुपाद जी ने उसको ऐसा मोड़ा और उनको बोला आई प्रीफर टू डाई, और प्रभुपाद जी ने उस समय आंख बंद किया और एकदम गंभीर स्वर में उन्होंने गाने लगे, चिंता मणि प्रकर सदमसु ब्रह्म संहिता गाने लगे, 3-4 स्टैंजा गाए, ये जब आंख खोला प्रभुपाद जी ने, ये सारे के सारे लोग सारे स्टिक को नीचे रख के चुपचाप बैठ के क्लास सुनने लगे, अभी पोटेंसी है उनका। तो उस समय ये नहीं, अरे अभी अभिमान में कोई अगर हमको आकर के ऐसा बोल दे फ्लाई आउट है, सबसे पहले नहीं फ्लाई करो अरे भैया बंद करो ऐसा, है ना, क्योंकि हम लोग अपना जीवन जा रहे सोचेंगे, बट प्रभुपाद जी नेवर। और प्रभुपाद जी, मैं पॉलिटिकल एडनेस में क्यों बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी अपने मूवमेंट को कैसे बचाए आप सोचिए, आपको पता है क्यों प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को न्यूयॉर्क में रजिस्टर किया, इंडिया में कर सकते थे ना, क्यों न्यूयॉर्क में रजिस्टर किया प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी जानते थे कि ये विदेशी संस्था बन जाएगी ना तो इंडियन गवर्नमेंट इसको हटा नहीं सकती है, अगर ये इंडिया में रजिस्टर होती था इस्कॉन ना तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके इस संस्था को लोग कुछ भी कर सकते थे, बैन कर देते थे, या हो ही रहा ना अभी कई सारे संस्था को बंद ही कर रहे लोग, इनका डोनेशन वो कर देते, खारिज कर देते, बट प्रभुपाद जी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अमेरिका में रजिस्टर किया है, कोई भी विदेशी जो संस्था है उसको आप इंडिया गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है इतना जल्दी, क्योंकि अमेरिका और उसका रिलेशनशिप में गड़बड़ी आ जाएगा। सेकेंड, आप शायद इस्कॉन की पॉलिसी नहीं पढ़े हो आप लोग, जो इस्कॉन के लॉज है जो ब्यूरो में चलता है, आपको पता है इस्कॉन की कोई भी प्रॉपर्टी जब तक ये धरती है तब तक बेच नहीं सकते आप जानते हैं जी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी इस्कॉन के नाम पे हो गई उसको इस दुनिया में कोई नहीं बेच सकता, मतलब ये मंदिर जब तक ये लीगली, अब इलीगली तो कोई हड़प ले वो अलग बात है, बट लीगली इस जगह को कोई नहीं खरीद सकता, मतलब जीवन पर्यंत तक ये मंदिर यही रहेगा अगर ये टिकारा और भक्त लोग रहे यहाँ पर, तो समझ रहा प्रभुपाद जी इतने इतना ऐसा लॉज बनाया उन्होंने कि 10,000 साल तक इस्कॉन जाएगा, प्रभुपाद जी इतने विजनरी थे, उनको पता था कहां पर कैसे हो सकता है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति जाकर के बस ऐसे ही कुछ स्टार्ट कर दिया, नो,
प्रभुपाद जी को सब कुछ पता था कि कहां से क्या खतरा हो सकता है मूवमेंट को, इसलिए सारे सिस्टम उन्होंने अच्छे से बनाए, जीबीसी सिस्टम बनाया सब कुछ। अगर कोई व्यक्ति केवल उनके लॉ को फॉलो कर लेगा, आप देखोगे वो व्यक्ति कभी भी इस्कॉन छोड़ नहीं सकता, और वो व्यक्ति जो है पूरा उसका स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हमेशा टिका रहेगा। इसीलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप श्रीला प्रभुपाद इन द सेंटर, ऑलवेज हमेशा। जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जिसने भी नया नया चीज ट्राई किया ना, सब फेल मार गए। एट द एंड प्रभुपाद जी का सिस्टम ही काम कर रहा है। ये सब लोग जो भी जो प्रभुपाद जी ने कहा वही करते जाओ बस। ऑफ कोर्स इन डिटेल्स वी कैन एडजस्ट इट अ बिट, बट वी कांट एडजस्ट प्रभुपाद प्रिंसिपल्स। जैसे अभी इस्कॉन में जो लोग बोल रहे हैं हाँ हम चाय पी सकते हैं, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं चाय थोड़ी कोई नशा है वो है, तो हर्बल टी के नाम पर नॉर्मल टी भी चढ़ा जाते हैं कभी कभी, तो कुछ भी। कुछ लोग प्याज लहसुन का भी हो रहा है ऐसा, दीक्षित भक्त ऐसा कर रहे हैं, सॉरी टू से ऐसा कर रहे हैं, कई रूल्स को बेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कली के चेले हैं, तो ये लोग तो आएंगे ना तोड़ने के लिए। तो अभी क्या होगा, जो सिंसियर डिवोटीज है वो लोग तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और जिनको शॉर्टकट चाहिए वो लोग इन लोगों को फॉलो करेंगे कि चलो भाई ये ग्रुप में चाय अलाउड है, चलो यहाँ चलो, ये ग्रुप थोड़ा स्ट्रिक्ट है, यहाँ नहीं करना भक्ति, समझ रहे ना। तो ऐसे ऐसे चीजें आ रही है, बट इफ दे स्टार्ट इफ दे डोंट फॉलो प्रभुपाद दे विल कोलैप्स, वो लोग कोई भी टिक नहीं पाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर यहाँ दिस टॉपिक कैन बी मोर एलैबोरेटेड, बट आज मैं नहीं बोलूंगा, बट थ्री थिंग्स आई टोल्ड टुडे। वन इज स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, आप अपने भक्ति में और गहराई को बढ़ाइए। सुपरफिशियल भक्ति से हमें वो नहीं मिलने वाला जो हम लेके इस्कॉन में आए हैं, कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति सुपरफिशियल भक्ति से नहीं मिलेगा। ग्रेजुअली हमें एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, मोर टेस्ट बढ़ाना है, हरिनाम में, शास्त्र में, हाँ भक्तों के संग में और प्रभुपाद जी के प्रति। सेकेंड, सोशली सेंसिटिव, जो आपके साथ लोग जिनके साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट करते हो बी केयरफुल। खासकर देखिए हमारे लाइफ में तीन चार ही लोग होंगे जिनसे हम दिन भर में सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, सर बोल रहा हूँ ना, तीन चार ही, सिंगल डिजिट नंबर ही है। आप हम में से कोई इतना महान तो व्यक्ति नहीं है जिसके 12-15 लोग है जो उसके आसपास मंडराते रहते हैं 24 घंटा, कोई नहीं होगा हम में से ऐसा। मंडराते या तो आपका बहुत सारा धन है इसलिए मंडराते होंगे, बहुत पैसा है या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति हो तभी मंडराएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मंडराएंगे, है ना। तो जो तीन चार लोग जो अपने आसपास हैं, जो हमारा केयर करते हैं, जो हमें पूछते हैं हमारे साथ, एटलीस्ट उनको तो संभाल के रखिए, एटलीस्ट उनको तो, अगर उनसे भी हम इनसेंसिटिव बिहेवियर करके और रिलेशन को स्ट्रेन कर रहे हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं फिर, तो उनको बचा के रखिए। एंड थर्ड इज पॉलिटिकली अलर्ट, बी अलर्ट व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे कल को कोई भी व्यक्ति आकर के आपका ब्रेन वॉश करके नेगेटिव वे में आपको इवन इस्कॉन से भी निकाल सकते हैं। यस, ये भी फैक्ट है, कोई भी आकर के आपको कुछ भी उटांग पटांग पढ़ा करके सिखा करके आपको भक्तों के समूह से दूर कर देगा, और वो हमारा कोई इंटरनल व्यक्ति भी हो सकता है, समझ रहा। तो बी अलर्ट कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। हमें आंख मूंद के नहीं चलना है। तो उस डिबेट में प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कितना रिसर्च करके जाते हैं, सही है कि 10 लोग से पूछ के जाते हैं, ये सही तो नहीं है, कहीं पता चला सर्जरी के अंदर कैंची छोड़ दिया या रुई छोड़ दिया, अरे एम्स में ऐसा हो रहा है, हुआ है अभी, तो आप कितना रिसर्च ही करते हो तो एक डॉक्टर को, या इवन कोई आपके लिए कुकिंग कर रहा है तो आप पूछते हो कहाँ बनाए क्या नहीं, जो भी चीज़ है हाइजीनिक रहते हो। बट जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है नो रिसर्च, कहीं भी कैसे भी छूट जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, तो ये सही नहीं है। तो बी अलर्ट कि आपको कौन क्या पढ़ा रहा है क्या सिखा रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप प्रॉपर आपका एसोसिएशन है कि नहीं है। इफ यू डोंट इवन अलर्ट तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, आपको धीरे 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 जैसे केरला स्टोरी में हुआ, वो जहर बढ़ते 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 बुर्का पहनाई दी उसको बिठा करके, है ना। तो होगा, आप अभी यकीन ही मानेंगे, अभी कुछ मुझे लोग बता रहे थे कि अभी हमारे हिंदू लड़कों को ये शुरू हो गया है कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है, और हमारे हिंदू लड़के ही दूसरे धर्म में वाले बनते हैं और वो लोग फिर कन्वर्ट करते हैं।
अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं बस, अभी जैसे जबलपुर में, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वही आपको बताऊंगा, हमारे हमने वॉइस बेस में 8-9 बच्चों को बुलाया, तो अभी क्या हुआ, जो जो नए नए बच्चे आए थे तो लोग जो जो उसमें सबको बुला लिए, प्रभु जी ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे आ गए अंदर, तो ये लोग बहुत खुश हो गए, वाह क्या प्रीचिंग हुआ, मजा आ गया, इतने सारे बच्चे आ गए, अब तो सब मस्त मिलकर मंगल आरती करेंगे, डांस करेंगे। तो मैं उसको बुलाया जो प्रीचर था, मैं प्रभु देखो ये आए तो हैं लेकिन क्या इंटेंशन है ये आप अभी जानते नहीं हो, थोड़ा दिन रुको। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, ये लोग मेरे को बोले हैं, ये लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब प्रभु आप 1 साल हुआ भक्ति में आए, मेरा थोड़ा अनुभव है। तो वो बोलता है प्रभु जी आप जब देखो जब अनुभव चिपका देते मेरे ऊपर, जब मैं क्या, ये लोग नियोफाइट है ना, इनको तो पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन हम तो भुगत भोगी है, जो बोलते हैं ना सब देखा हुआ है क्या होता है। तो उस दिन गया, एक लड़का बैग उठा के निकल गया बिना बोले, ठीक है। तो बोला प्रभु जी चला गया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जो टिके उनको संभालो, है ना। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनमें से एक लड़का सबको पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने लगा, एक लड़का जो है सबके में जहर बोलने लगा, अरे ये देखो तुमको ये लोग ना कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या कन्वर्ट करूंगा यार, ये लोग तो हिंदू ही है ना, और क्या कन्वर्ट करूंगा तो जो है अभी क्या हुआ, वो लोग आए थे केवल प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि आप हमारा स्टैंडर्ड जानते हो इस्कॉन का क्या प्रसाद बनता है, और अब नए बच्चे आए थे तो उनके लिए हर दिन समोसा चाउमीन सब बराबर खिला रहे हैं, और वो भी डिस्काउंट रेट में, क्योंकि उनको रखना है अंदर। तो क्या हुआ, सब लोग उससे देख के अट्रैक्ट होके आ गए। फिर हम लोग ने उनको इंटर्नशिप का जॉब का सब ख्वाब दिखा दिया, यहाँ रहोगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, ये होगा। बट जैसे ही उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बोलना शुरू किए, भाई सुबह उठना पड़ेगा, फिर जप करना पड़ेगा, मंगल आरती में आओ, क्लास अटेंड करो, 2-3 तो निकल लिया ऐसे उसमें। और एक लड़का उसमें से क्या निकला, वो जो है दूसरों को, खुद तो गया, 2-3 को साथ में लेके गया, मतलब उनको भी वो जहर पहला कर दिया कि ये लोग तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुमको ब्रह्मचारी बना देंगे, तुमको ये कर देंगे। तो एक दिन मैंने बहुत हैवी क्लास किया सबको बैठा करके, मैंने को संभाला, तुमको क्या लग रहा है मजाक है ब्रह्मचारी बनना, मैं बोला 2 दिन खाली रह के दिखा दो हमारे मंदिर में आकर के, 2 दिन सुबह 4:30 से लेकर 10:30 तक, कोई 2 दिन टिक गया ना मैं तुमको जीवन में पाल लूंगा। तो मैंने पूरा जबरदस्त दिल खोल के बोला उसमें, तब वो समझा प्रभु जी ये बहुत डिफिकल्ट है बनना, ये लाइफ इतना आसान है। तो मैं बोला अननेसेसरी ये स्प्रेड मत करो कि अरे ब्रह्मचारी बनना तो छोड़िए दूर है, ये गुरु की कृपा से ही लोग टिक पाते हैं, आप ही गए तो टिक नहीं पाओगे, इतना आसान नहीं है, माया देवी हाथ के पीछे पड़ जाती है। तो फिर क्या, बट स्टिल उस व्यक्ति ने क्रिटिसाइज कर करके वो व्यक्ति, वो लड़का जो था, दूसरों को डिसाइड करने लगा, ए क्या तुम लोग माला जप करते हो, क्या तुम लोग ये कीर्तन करते हो, क्या सब पागलपंती कर रहे हो, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये मुझे पता चला जस्ट कुछ दिन बाद। तो मैंने उस भक्त को कहा प्रभु अब तो आप ले आए उसको अंदर, अब हम निकालेंगे तो खराब लगेगा, सब लोग सोचेंगे देखो ये लोग निकाल रहे हैं लोगों को, बट डोंट वरी इफ ही इज क्रिटिसाइजिंग वैष्णवास ही विल नॉट स्टे। अगर वो भक्तों का निंदा कर रहा है तो वो टिकेगा नहीं। और वही हुआ, 3 दिन बाद अपने आप चला गया वो। मैं बोला नाउ डोंट कॉल सच पीपल, ऐसे लोगों को मत जोड़िए अपने साथ जो मुंह में छुरी बगल में राम, नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, सॉरी जो लोग ऊपर से अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन हार्ट उनका जो है वो पूरा समझ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसे लोग से बच के रहिए। और ये आपको तुरंत समझ में नहीं आता है, इट टेक्स टाइम। इसे जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। yes.